दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा शिनचैन के बारे में। शिनचैन कार्टून आप में से कई लोगों का मनपसंद कार्टून रहा होगा। ये कार्टून जितना मज़ेदार है, वहीं इसके पीछे की कहानी बहुत दुख भरी है। ये ऐसा कार्टून है जिसने हमें खूब हंसाया। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी शिनचैन के फैंस हैं। दोस्तों, ये कहानी है शिनचैन और उसके परिवार की, जो जापान में रहने वाला एक खुशहाल परिवार था। उसके परिवार में उसके पिता हिरोशी, माँ मिसाई, शिनचैन और उसकी छोटी बहन हिमावारी थी, और उसके पास एक प्यारा सा कुत्ता भी था जिसका नाम था सीरो। शिनचैन असल जिंदगी में भी उतना ही शरारती था जितना उसे कार्टून में दिखाया जाता है। एक दिन मिसाई अपने दोनों बच्चे शिनचैन और हिमावारी को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है। मिसाई एक शॉप पर जाने के बाद अपने शॉपिंग में व्यस्त हो गई थी, तभी अचानक शिनचैन ने देखा कि उसकी छोटी बहन हिमावरी अकेले ही वहां के सड़क को पार करने की कोशिश कर रही थी, और उस सड़क पर गाड़ियां भी बड़ी तेजी के साथ गुजर रही थी। तभी शिनचैन अपनी बहन की मदद करने के लिए उसकी तरफ जाता है, और उसी समय एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन दोनों बच्चों को टक्कर मार दिया, जिसमें शिनचैन और हिमावरी दोनों की मौत हो गई। अपने दोनों बच्चों को खोने के बाद मिसाई पूरी तरह से टूट गई, और वो खुद को अपने बच्चों के मौत का जिम्मेदार मानने लगी। और अपने बच्चों की याद में मिसाई हर रोज एक बुक में क्रियोन से अपने बच्चों के तस्वीर बनाया करती थी, और उनके साथ बिताए पलों और उनके शरारतों के बारे में लिखा करती थी। और एक दिन एक कार्टून क्रिएटर योशिता योसुई ने उस बुक को पढ़ा तो वो इससे बहुत इंस्पायर हुए, और उन्होंने शिनचैन और उसके परिवार को लेकर एक कार्टून बनाया जिसका नाम रखा गया क्रियोन शिनचैन। बच्चों में शिनचैन की फैन फॉलोइंग को देखते हुए शिनचैन के इस आखिरी एपिसोड को टीवी पर कभी भी टेलीकास्ट नहीं किया गया, क्योंकि उसके आखिरी एपिसोड में इसी घटना को दिखाया गया था। इससे बच्चों पर बुरा असर ना पड़े, इसलिए इस एपिसोड को कभी भी टीवी पर नहीं दिखाया गया। तो दोस्तों, ये थी शिनचैन कार्टून के बनने की कहानी और उसके आखिरी एपिसोड की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।